अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर नगर परिषदेच्या 6 एप्रिल रोजी होत असलेल्या निवडणुकीचे राजकीय वातावरण आता तप्त होऊ लागले आहे। होत असलेल्या या निवडणुकीमध्ये खरी लढाई ही भाजपा विरुद्ध काँग्रेस आघाडी अशी आहे। त्यातच नामदार गिरीश महाजन यांच्या सौभाग्यवती साधनाताई महाजन या भाजपाकडून नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार असल्याने या निवडणुकीला महत्व प्राप्त झाले आहे। या बरोबरच त्यांना कडवी झुंज देण्यासाठी काँग्रेस आघाडीने प्राध्यापिका अंजनी पवार यांना नगराध्यक्ष पदासाठी उभे केल्याने निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे। जलसंपदा मंत्री नामदार गिरीश महाजन यांच्या माध्यमातून झालेला शहराचा विकास हा भाजपाचा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आहे। तर झालेला हा विकास काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळातच मंजूर झालेला होता असा दावा काँग्रेस आघाडीकडून करण्यात येत आहे। त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी आता झडू लागल्या आहेत। जामनेर शहरातील आराफत चौकामध्ये आज दोन्ही पक्षांच्या सभा एकाच ठिकाणी आणि त्यासुद्धा आमने-सामने सुरू होत्या। दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्धा यावेळी आमने-सामने होते, त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी दिग्गज नेत्यांकडून शाब्दिक तोफा डागल्या गेल्या। पाहूया या दोन्ही सभांमधील नेत्यांची खडाजंगी। और आज की इस सभा में मौजूद मेरे अपने नौजवान साथियों और बुजुर्गों, समझते कुछ और हैं, ये बताते कुछ और हैं। ऐसे तो कांग्रेसी हुकूमत के तौर हैं, इन रावणों से राम भी हारा है दोस्तों, मत पूछिए जो हाल हमारा है दोस्तों। हाजरी ने कराम हिंदू के वास्ते न मुसलमान के लिए लाजिम है इंसान को इंसानियत से इंसान के लिए और इंसानियत में आज पुकारा है दोस्तों। हाजी ने कराम आज जामनेर की आम सभा में मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में अपनी बात को रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे क्योंकि 7 तारीख के चुनाव में आपको इस बात का फैसला करना है कि आपका अपना कीमती वोट आवाम की इस हालत में किस तरह जाएगा। जब हम जनसभा कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर बटे और कभी हमारे दरबार से खड़वाड़ किया गया। मैं जो साहब इस बात की शिकायत कर रहे थे, मैं इस मंच पर बाबा में तो हल अनरहनान से पूछना चाहता हूँ कि जामनेर की सभाओं के अंदर जहाँ पर टिकट का वितरण किया गया वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 24 में से 7 मुसलमानों को सिर्फ 24 में से 6 मुसलमानों को टिकट देकर क्या हम परेशान करने की बात कर रहे हो। आज के इस मंच पे आपको इस तरह की बात करने के लिए नौजवान साथियों, यहाँ पर मैं बड़ी देर से अपनी बात को समझा रहा और यहाँ पर मैंने इस बात को महसूस किया कि यहाँ का अपना एक चुनाव एक बुनियादी हेल्थ केयर सस्ता है, एक मुख्तलिफ थाने में बटा हुआ है। यहाँ पर उस वर्ग मुजाहिद के नाम लेकर उनके साथ प्रकार की बातें की जा रही है जो मुसलसल 6 बार आम बार का चुनाव जीतकर जिसने शानदार का चुनाव जीता और जिसमें आप मुस्लिम भाइयों ने बड़ी मजबूती के साथ उसको सपोर्ट करते हुए चुनाव में कामयाबी से हमकिनार किया। अभी कल की बात है कि आज से 5 साल पहले यही राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपने नगर परिषद के अंदर बहुमत हासिल किया, लेकिन 2.5 साल में उनको अपना परिषद में अध्यक्ष बनाते हुए काम करने के लिए आगे बढ़ाया। आपने देखा कि 2.5 साल के अंदर जो कुछ भी काम हुआ आज उसको गिनवाने की जरूरत नहीं है। इसी साल ना गिरीश महाजन के कार्यकाल में आपको शादी के आगे लिए हॉल दिया गया, इसी साल और इसी साधना गिरीश महाजन के
1978 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और दो मरतबा मैं मार की परिषद का मेंबर रहते हुए 10 साल से स्टेट एमपी और बोर्ड का मेंबर रहा। मुझे मसाजिदों के काम करने में और वक्त बोर्ड के अंदर का प्रस्थान हुए काम करने में और किसी तरह के भी काम करने में आज तक पार्टी ने भंग नहीं किया। शर्त यह है कि दो कदम आप बढ़ो, दो कदम हम बढ़े, तभी हमारे और आपके गले मिलने में इस मुल्क का विकास हो सकता है। कोई भी कोताही की तो ये फिर का प्लास्टर कामयाब हो गए। यहाँ का आमदार 25 साल से एमएलए है। आपके कब्रस्तानों का फंड रोक दिया गया है। इस शहर में एक साइंस की कॉलेज नहीं है। हमारी माँ बेटियों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो क्या आज का जो आमदार है, जो मंत्री भी है, जिसके पास दो खाता है, यहाँ पर ना हॉस्पिटल में दवा रहती है ना डॉक्टर रहता है, तो क्या ऐसे आमदार की पार्टी के लोगों को इख्तियार देना चाहिए क्या? नहीं, नहीं देना चाहिए। तो अभी हमारी सभा, हमारा जलसा खत्म होगा। हम एक एक घर में जाकर लोगों को समझाएंगे कि ये 2014 से आने वाली सरकार नोटबंदी की, जीएसटी लाई, एक पोल खत्म हो गया। मैं टेक्सटाइल से पावर लूम से मुंसलिक हमारा शहर है। आज पोजीशन ये है कि यहाँ मेरे जितने भी किसान भाई कपास लगाते हैं उसका भाव नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? हमारा पावर लूम जो आपकी कपास से धागा बनता है उससे हम कपड़ा बनाते हैं। 60% एक्सपोर्ट रुक गया है। ये मोदी सरकार और भारत सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से। सरकार के जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ का आमदार जो है ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी दावा पक रहा है। अगर यूपी के अंदर आप देखेंगे फूलपुर की जो सीट बहुत दूर से हराया गया, अजमेर शरीफ में हराया गया, हर जगह उपचुनाव में इनको हराया जा रहा है। और शुरुआत महाराष्ट्र की आपके शहर से होना चाहिए। हमारे शहर में हमने 27 सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस की आए, पहले 2 सीट थी। हमने लोगों को समझाया हम हमारा वक्त निकाल के एक एक घरों में समझाएंगे कि ये जो सरकार है हितग्रस्त सरकार है। ये आज तक राम मंदिर बनाने का बोलती थी मगर हितग्रस्त आरएसएस के लोग आए तो नथु राम गोडसे का मंदिर बनाने का बोल रही है। ये हमारा संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा खाहक है वो छीन रही है। ये सरकार को अगर आपकी म्युनिसिपैलिटी में रोका गया यही हवा पूरे महाराष्ट्र में बहेगी। अगर आप लोग घरों में बैठे रहे तो यहाँ नाकामयाब होंगे। और आपको कल मैसर में आखरत पे पूछा जाएगा कि एक जालिम वजीर आजम था, उसकी पार्टी जुल्म करती थी तो आप घरों में क्यों बैठे थे? आपने क्यों नहीं एक और देने के लिए आप पोलिंग बूथ तक गए? आप गुनहगार माने जाओगे मेरे भाइयों। वक्त तो ऐसा है कि अगर आपकी एक गलती हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करवा सकती है, इसलिए आप छोटे हमारे भाई जो ग्राम वतन है, जो सेकु
पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस की कि ये लोग मुसलमानों की मदद करते हैं। कर्नाटक में वो पत्रकार को घर में घुस के मार दिया गया, वो मुसलमानों के लिए लड़ती थी। कोई एक आदमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान उनकी टारगेट पे हो। जो मेरा वतन है, हमारे हिंदू भाई है, वही लोग आपकी हिफाजत करने आ रहे हैं जो सेक्युलर रह रहते हैं। तो इसीलिए हमारा भय फर्ज होता है कि जो सेक्युलर रहने के जो आपकी मदद करे उसके साथ रहो। ये अंदर जो आज का है ये झूठे केस में आपको फंसाता है। हम लोग जो जमा हुए हैं नगर पालिका के प्रचार के लिए, मुस्लिम समाज का एक जलसे यहाँ है, मंडित में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के आला किस्म के लीडर लोग और मेरे अधीन मतदाता और मोहल्ले में बैठी हुई मेरी माँ बहनों, ये इंतजार है मोहतरम अली जनाब मिनिस्टर गिरीश महाजन साहब का, और वो भारत महाराष्ट्र के, एक बार ख्याल में लिख लो, नोट कर लो इसको, वो महाराष्ट्र के भावे मुख्यमंत्री भी है। क्यों? कि समंदर कांप जाता है तेरी कश्ती की जुरत पर। समंदर कांप जाता है तेरी कश्ती की जुरत पर। कभी गर्द है अब से उछली तो कभी साहिल से टकराए। ये तो हमारे शहर का नगर पालिका का इलेक्शन है और शहर में दशा भूल कर वोट लेने वालों सुन लो कि हम अगर सच भी कहे तो गाली है, हम अगर सच भी कहे तो गाली है, झूठ उनका मगर मिसाली है। झूठ उनका मगर मिसाली है। और क्या हिफाजत करेंगे वो कौम की, क्या हिफाजत करेंगे वो कौम की जिनके किरदार में दलाली है। हम सच भी कहे तो गाली है, हम सच भी कहे तो गाली है, झूठ उनका मगर मिसाली है। और क्या हिफाजत करेंगे वो कौम की जिनके किरदार में दलाली है। मेरे अजीज दोस्तों, फकीर है, आखिरी बात कर रहा हूं कि अरफात चौक के चौराहे पे एक फकीर उसका एक ही इशारा था, वो अरफात चौक से निकलकर बिस्मिल्ला नगर तक, बिस्मिल्ला नगर से निकलकर मलिक नगर, मदनी नगर, हाजी बशीर नगर, फिर चौराहे पे आके खड़ा रहता था। कुछ लोग उसका मुंह देखते थे, मैं उसका मुंह देखता था। कुछ लोग उसका मुंह देखते थे, मैं उसका मुंह देखता था। लोग उसको कुछ देना चाहते थे मगर वो कहता था कि मुझे कुछ मत दो, मुझे कुछ मत दो, मत अगर देना है तो भारतीय जनता पार्टी को दे।
22 सीटें अपनों को निवड कर लाना है, जिसमें से दो सीटें जो है वो बेनुनद हो चुकी है, 22 सीटों का मसाइल है। और आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि जहां पर फूल का निशान है वहीं पर बटन होगा, और बटन दबाकर मोहतरमा साधना महाजन जी और जो नगर सेवक के लिए खड़े हैं इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इन्हें कामयाब बनाए और अपनी खिदमत करने का मौका दे। फकीर का नारा था कि आग लगी बस्ती में, वो फकीर का क्या नारा था? वो जो फकीर केवल कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, उसका एक नारा भी था कि आग लगी बस्ती में और फकीर अपनी मस्ती में। लगी बस्ती में, फकीर अपनी मस्ती में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, अभी हमारे भी मोइन अंसारी जैसा शोला भरा मुकर्रर मौजूद है, उससे पहले हमें दो तीन लोगों को सुनना है। मैं वो जब चक्कर चला तो प्रज्ञा साध्वी पकड़े गई, पुरोहित पकड़े गया, शंकर आचार्य पकड़ा गया, असीमानंद पकड़ा गया, यादव पवार साहब, और पवार साहब अगर ये नाम नहीं देते और ये नहीं पकड़े जाते तो हमारे मुस्लिम बच्चे नहीं छूट देते, उनकी जमानत भी हुए, बाइज्जत बरी भी हुए। ऐसे गैर मुस्लिम भाइयों का साथ हमको देना पड़ेगा। जो हमारे काम करने वाले रहते, जो हमारे छोटे मोटे लीडर रहते, उनको बसाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कहते कि ये सीवी का है या अतिरिक्त है, अरे जिनके घर में खाने को नहीं हो क्या सीवी के करेंगे, वो क्या अतिरिक्त करेंगे। और पहले से चिट्ठी मौजूद, जैसे वो पकड़ के लाए उसके इसमें से सीवी का, जैसे मोहम्मद का इसका, अरे लाखों में कोई मुसलमान नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि अकायदो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देश पसंद है, मेरे अल्लाह को ये देश पसंद है, पर जहाँ अल्लाह को पसंद मेरे आका को पसंद, इस देश से कभी मुसलमान गद्दारी नहीं कर सकता। गद्दारी पर उकसाने वाले सामने वाले। और हमको कहते हैं कि तुमने ये किया, अरे राम के नाम का दादा तुमने कहा, अरे हम राम को कहते हैं सीता माँ तो रो गई। पर जब जुल्म बढ़ता है तो कभी कोई कभी ये कहता है कि राम के नाम की अजमत को घटाने वालों, राम के नाम की अजमत को घटाने वालों, तुम पर कोई ये क्रोध रावण मुसल्लत होगा। यूं ही जुल्म सितम अगर बढ़ते रहे तो मेरे देश का हर बच्चा भगत सिंह, राजगुरु और अशफाक होगा। दोस्तों, ये लोगों से बचना होगा, इनकी चालों से बचना होगा। पैसे आएंगे, पैसों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, अपनी जमीन के आवाज पर वोट देना चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी के मामले में जो कुछ है सब सामने, मुझे रिपीट करना नहीं है। और कटियार जी, मैंने कल भी कहा कि कटियार जी कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। कटियार जी, आप संसद सदस्य हैं, इतनी छोटी लेवल की बात नहीं करना चाहिए। मैंने कल कहा था कि जब किरायादार घर खाली नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान के हम किरायादार नहीं है, वारसदार हक लेके रहता है। तुम हमको निकाल नहीं सकते, जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए, वो गए, उनकी हालत क्या है? अल्लाह के फजल करम से हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे बाप दादाओं पे भरोसा कर हिंदुस्तान रुके, और हम फख्र से कहें कि हम हिंदुस्तानी है। वहां पाकिस्तान में हमारी हालत क्या और यहाँ हमारी हालत क्या है बोलने की जरूरत है। मुसलमान यहाँ पर घटना को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की घटना बनाई है देश को, उसको पामाल करने की कोशिश की जा रही है।
दोस्तों और राष्ट्रीय एकात्मता को भी भंग करने की कोशिश की गई जा रही है। वही यहाँ हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, अरे अभी पवार साहब है, ये लोग या लालू प्रसाद यादव जैसे है, ममता बनर्जी जैसे है, मुलायम सिंह है, ये लोगों ने घटना को बचाने का काम और राष्ट्रीय एकात्मता को आगे बढ़ाने का काम किया। दोस्तों वो तमाम हिंदू भाइयों को मेरा सलाम कि जिन्होंने राष्ट्रीय एकात्मा बचाने का काम किया। ये लोग तो हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाने की बात करते, आपस में फूट डालने की बात करते हैं, हम तो दशहरा और दिवाली मनाने की बात करते हैं। हम इस मिलन की दावत देते हैं, हम इस मिलन की दावत देते हैं। हम तुम्हारे जैसा दूसरे लोगों में नफरत फैलाने की बात नहीं करते। मैं दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आज के माहौल को देखते हुए मैं जामेर के बल्कि जामेरूर के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि वहाँ हम आए जब कुछ लोग दिख रहे थे, अभी मैं स्टेज पे से देख रहा हूँ 5-25 लोग दिख रहे, बाकी सब निकल गए वहाँ से। इसका मतलब आपके दिल में इनकलाब बर्पा करना है। ये जो हमारे मुखालिफ है इनको इनकी जगह बताना है दोस्तों, और जगह जब भी बताएगी कि उस दिन ये अल्लाह का एहसान करो कि उस दिन जुमा है, मालिका वाले हजरात ने भी कैसे जुमा जुमा बजर की नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर कर पहले अपनी माँ बहनों के वोट, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंजलि भाई और हमारे जो उम्मीदवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के उनको बटन दबा कर अक्सरियत वोटों से कामयाब बना और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला कामयाबी हमारे हक में दे। जातिवादियों को उनकी जगह बताओ, ये आपसे गुजारिश कर क्या बोलते ये तो आरएसएस क्या बीजेपी क्या उनके भी 150 शाखाएं सभी दुश्मन के द्वारा, पर वो दुश्मनों को नहीं देखना चाहिए जो हमारे मोहब्बत करते, संजू दादा जैसे, पवार जैसे, जगन दादा जैसे, इनके तरफ देखकर आगे बढ़ना चाहिए। यूनुस भाई ये लोग तो 100 साल से काम कर रहे थे, ये तो आज के हालात में कुछ हिंदू मुसलमान की बात करके आगे नहीं आने वाले। कल और मैंने पढ़ा आपको ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या भल्या जो कुछ थे, ये तो कल और एक आया, एक कोई सल्य है और उसकी बीवी कविता, उसने भी 1400-1500 कोटी का गमला हैदराबाद में।